आज भी तुम मैं चिंता हूँ कैसे कर लो तुम जरा दूसरे का बोले चली जाओ मुझे अपने से कुछ बात करना करना मैं आज तो जिंदगी की वो अमानत करना चाहता हूँ जिस किसी ने छोड़ मुझे पहाड़ों से भी ज्यादा है मैं आपकी बात समझा नहीं बाबा मैं सोचने की कोशिश करूं मेरे मित्र साथ लक्ष्य में वो बात न कहूंगा कोई भी हालत मत बात किसी नौजवान के सामने कहना पसंद नहीं करता आप मेरे कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी डालना चाहते किसका बोझ उठाने के लिए सोच आ सकते हैं मुझे तो पेट भर कर खुद खाने का नसीब नहीं होता पर यू को कहा खिला के दूंगा मैं तो तुम्हारे पत्ते में नहीं डाल रहा हूँ तुम लोग दवा रहे तुम्हारी आंखों भी जिंदगी मुस्कुराहटों में बदल सकती है रहने के लिए आलिशान कोच हजारों रुपए का बैंक बैलेंस सैर करने के लिए मोटर कार नौकर चाकर मगर ये सब चीजें एक शर्त पर मिल सकती है वो क्या पर भी जरूरत होना चाहिए हाँ, मैं भी यही सोचता इतनी कोशिश के बावजूद कोई काम नहीं मेरा ख्याल है तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ
जाएगा और हालात बदल जाए और इस तरह पप्पू का भी पता चल जाए। लेकिन ऐसे वक्त में जब तक हमारे पास एक पैसा भी नहीं और मकान का एक साल का किराया भी अदा करना है कैसे चलेगा। अच्छा जी तो अब हम कौन हो गए? पूछा था हमने कहे कुछ किराए का बंदोबस्त किया? अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं। बंदोबस्त नहीं हो सका तो कान खोल कर सुन लो, आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। या तो तुम्हें मकान का किराया अदा करना पड़ेगा और या मकान खाली करना पड़ेगा। साल भर हो गया बहाने बनाते हुए और मकान के किराए की एक छोटी कौड़ी भी अदा नहीं की। मैं अभी तक स्वीकार तो मैं क्या करूँ? मैंने कल यतीम खाना खोल रखा है तो हो तो दो वक्त का खाना भी तुम्हें घर से ला दूँ। अरे मेरा मुंह क्या कह रहे हो? सामान है तो बाहर कहिए जी, बहुत मेरा हो चुकी उठा अंदर से भी। जाने दो कभी शायद इससे इसकी रकम पूरी हो जाए। ये मुझे आटा दादी का बंपू का समझा था। अश्विन भैया ये सब क्या कमाता है, ये क्या हो रहा है? मैंने शेर साहब का किराया अदा नहीं किया इसलिए जबरदस्ती मुझसे मकान खाली करा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। साहब आप ही बड़ा इनका वह किसी जितनी ना शरीर चिंता से चिड़िया को भेजा भी नहीं जाते और आप तो इनका मकान उतार रहे हैं। आटा पैसे की जरूरत नहीं, जो काम चला सफाई छोड़ जा बस। हाँ ठीक है बंदा अभी तो सब तकदीर। हाँ अश्विन भैया लेकिन तुमने क्या देखा है? खुदा की जमीन बड़ी बस्ती है, जहाँ देखेंगे जिंदगी के दिन गुजार देंगे। बिल्कुल ठीक है तो उसी जमीन पर मेरा भी एक झोंपड़ा है, मैं मेरे साथ चलते रहो। हाँ भैया चलो। अरे पप्पू तू आ गया? कहाँ चला गया था? तेरे भैया ने तो तुझे बहुत तलाश किया। लेकिन अक्सर मालिक मकान की सख्ती की वजह से घर छोड़ कर ना जाने बेचारा कहाँ चला गया। लेकिन आपको मालूम है वो कहाँ गया? बता तो नहीं पप्पू, चुप कर जा बेटे, घर वापस चलो। मैं तुम्हारे भैया का पता मालूम करके तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। चलो आपके लिए 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 आपके लिए
सारी खोट लंबी है मुर्गी पैदा हुई है नो गुजरी हो गई और घंटा तैयार है मगर यार एक अफसोस है चलो इम्तहान सेकंड नंबर आए बच्चे को परेशाने से खुदा ने तुम्हारी भी देर बड़ी कर दी खुदा का लाश पप्पू कहाँ है पप्पू पप्पू देखो यहाँ ये देखो देखो अल्लाह ने तुम्हें एक छोटा सा नन्ना सा भाई दिया देखो ये परे होकर तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा और तुम्हारा बाजू बनेगा देवन मैंने मिलने का नाम जादू करता है क्या है मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है बताती सितारा की शक्ल इसमें बहुत बड़ी करे लगती है जी हाँ बेटी को साथ ले जाकर तस्वीर खिंचवा ली और मुझे साथ लेकर नहीं गए अपना सुन अरे नहीं तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल में है वो तो सितारा ने जिद की थी और तस्वीर खिंचवा ली असलम भैया मैंने कहा क्या भाभी जान ने आज गाँव में रस्सी डाल दी थी जो घाट पर मछलियाँ पकड़ लेनी है नहीं यार हाँ सितारा की तस्वीर बाजार से लेने गया तस्वीर जरा दिखाओ कहा मैं इसे देखू भाई बहुत ही अच्छी तस्वीर आई मैंने कहा ये तस्वीर फ्रेम करा के मैं यहाँ दीवार पे लगवा दी नहीं बेटे इनको दूसरी बनवा दे हाँ दूसरी ले लेंगे अजय चलो उठाकर लिया है जिसके लिए आपने हमें से दो दिन कहकर जुलूम किया क्या बात आज तुमने मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी आज तो हम इनाम के हकदार हैं बॉस ये सब ये लो और बाहर ठहरो अरे यहां ठहरने से क्या फायदा चलो फिर आज इस ताजी के माल पर आए थे
कुछ प्यारी सूरत आई गुदाम से कुछ मक्की भरी जवानी सराबा कुछ मैंने तुझे उन गुंडों से निजात दिलाई थी परवीन तुम मेरे मन कब से जानते हो मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम अपने बाप के साथ झोपड़ी में रहा करती मैं तो उसी वक्त से तुम्हारे हुक्म का गर्वीता हूं परवीन तुम्हारी मोहब्बत मेरी हर घड़ी में समा गई तुझे तो तेरी गुंडों से नहीं परवीन मुझे नफरत से न देखो जो कुछ कहोगे अपने ईमान से सच कहोगे सच कहूंगा मुल्ज़िम असलम ने बयान दिया है कि मक्तूला परवीन को तुम्हारे आदमी उठाकर तुम्हारी कोठी में ले आए थे क्या ये सच है जी नहीं मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी क्योंकि परवीन तो अपने बाप की जिंदगी ही में मेरे पास आया जाया करती थी वो इसलिए माली इमदाद लेने के लिए दरअसल मैं गरीबों की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ इसीलिए उस बेचारी की मदद भी कर दिया करता था तुम झूठे हो वह कभी तुम्हारे पास पहुंची गई हाँ तो असलम को परवीन से क्या भी सुनी थी जो उसने उसे कत्ल कर दिया असलम को हमारे मेल जोल पर शक हो गया था उसने परवीन को बस्तान से मुझसे कत्ल कर दिया मुझ पर भी गोली चलाई थी लेकिन मैंने भागकर अपनी जान बचा ली तुम्हारे बयान से जाहिर होता है कि असलम ने गलत फैमिली का शिकार होकर जुर्म किया जी हाँ तुम्हारे सिवा
किसी और ने भी असलम को परवीन पर गोली चलाते देखा है? जी हाँ, मेरे दोस्त बांके शेरा और कमाल भी उस वक्त कोठी में मौजूद थे। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। उन्होंने ये सारा वाकया देखा। आप जा सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कल दूसरे जगह पेश किए जाए। बाकी को पेश किया जाए। तुम जो कुछ कह रहे हो खुदा को हाजिर नारंग जान कर सकते हो? जी हूँ। जब असलम आया तो तुम कहा? हम सब दिलावर के साथ उसी कमर में बैठे। पर भी दिलावर के पास क्यों आई थी? वो ये कहने आई थी कि असलम को स्वच्छक हो गया है। असलम ने उसे मारा पीटा और मना किया है कि वो दिलावर से हरगिज़ न मिले। अच्छा ये बताओ, असलम ने आते ही गोली चला दी थी या कोई और बात भी की थी? असलम ने आते ही दिलावर से कहा कि बदमाश, मेरी बेटी की इज्जत लौटता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसको गोली चला दी। फिर क्या हुआ? फिर दिलावर जान बचाकर भागा और हम भी उसके साथ ही भाग गए। फिर तुमने असलम को परवीन पर गोली चलाते कैसे देख लिया? मैं खिड़की की आड़ में छुप गया। मैंने शीशे में से गोली चलाते देखा। तुम जा सकते हो। तेरा गला से पेश किया जाए। जब असलम ने दिलावर पर गोली चलाई थी तुम तो अपने साथी के साथ भाग जाओगे? जी हाँ। और फिर तुमने दूसरी गोली चलने की तो सिर्फ आवाज ही सुनी होगी? जी हाँ। जब तुमने देखा ही नहीं फिर तुम कैसे कह सकते हो कि असलम ने परवीन को कत्ल किया है? ये मुझे बांके ने बताया था। वो खिड़की के पीछे खड़ा हुआ खड़ा वाकया देख रहा था। तेरा का बयान बहुत गलत है। कमाल को पेश किया जाए। तुम जो कुछ कहोगे खुदा को हाजिर नाजिर जान कर सब कहोगे? जी हाँ। परवीन के मुताबिक तुम्हारा क्या ख्याल है? जनाब मैं परवीन को बचपन से ही जानता हूँ और ये भी जानता हूँ जवान होते ही उसका चाल चलन खराब हो गया। असलम तो उसका फर्जी सवाल था, वैसे वो अक्सर लोगों के पास आया जाया करती। हमारा खातून का इल्जाम लगाता है। मैं बेबस हूँ, बंदा तेरी जबान क्योंकि अपनी साबित कर जोर से देखी अदालत के सामने धमकी दे रहा। आज आवाज है तो इसका मतलब ये हुआ कि असलम परवीन की हरकत को जानता था? जी हाँ, वो बराबर जानता था और उसको मना करता था। जब वो इन हरकतों से बाज ना आई तो उसने जोश में आकर उसे मार दिया। क्या तुमने असलम को परवीन पर गोली चलाकर देखा था या फिर आवाज ही सुनी थी? जी सिर्फ आवाज ही सुनी थी। कमाल के इस बयान को नोट किया गया कि इसने असलम को परवीन पर गोली चलाकर देखा नहीं, सिर्फ आवाज ही सुनी थी। तुम जा सकते हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते? जिनाबे वाला, मेरी बीवी पाक दामन थी, मुझे इसके चाल चलन पर कभी कोई शक नहीं हुआ। बदकार तो दिलावर है जो उसकी इज्जत लेने के लिए उसे उठाकर ले गया। मैं तो सिर्फ परवीन की इज्जत बचाने के लिए गया था, दिलावर पर हमला करने के लिए नहीं। जब तुम्हें मालूम था कि परवीन की इज्जत खतरे में है तो तुमने पुलिस की मदद सुन ली, खुद जाकर दिलावर की कोठी पर हमला क्यों किया? दिलावर के आदमी उसको मोटर में उठाकर ले गए थे। इतने वक्त ही कहा था कि मैं पुलिस की मदद हासिल करता। तुमने कानून की परवाह न करते हुए खुद हमला किया है। साफ जाहिर होता है कि तुम इस कदर कभी नहीं चलाते। मैं कानून का एहतराम अपने ईमान की तरह करता हूँ, लेकिन ये बताइए अगर मैं वक्त गुजार देता तो क्या मेरी बीवी की इज्जत बर्बाद ना हो जाती? फिर आपका कानून मेरी क्या मदद करता? क्या उसकी बेटी ही अपना वापस चला देता? आपका कानून सिर्फ मुझे को सजा दे सकता है, लेकिन वो बात
जो औरत की पाकदान पर लग जाता है उसे चीज नहीं कर सकता। जनाबे वाला, मैंने इस गलत मंशाओं की हैसियत से अपनी बीवी की इज्जत बचाने का फर्ज अदा किया है। असलम अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए दिलावर की कोशिश कर दिया था। जब इसने ये देखा कि दिलावर परवीन की इज्जत पर हमला कर रहा है, इसको उसको मुकाबला किया। इस लड़ाई में दिलावर ने पिस्तौल निकालकर असलम पर गोली चला दी। असलम तो बच गया, लेकिन गोली परवीन को लगी और वो मर गई। ये देखकर दिलावर ने खुद ही पुलिस को फोन किया और असलम पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। मेरे दोस्त ने असल वाकयात को गलत रंग में पेश किया। अगर ये मान भी लिया जाए कि मुल्जम असलम परवीन की इज्जत बचाना चाहता था, तो ये पुलिस की मदद हासिल करता, खुद जाकर दिलावर पर हमला ना करता। जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मुल्जम कत्ल करने के इरादे से वहां गया था। इलाज जब तो इस बेरहम में जाता ही दिलावर पर गोली चला दी और जब वो अपनी जान बचाकर भाग निकला तो इस वैसी दुनिया ने अपनी बीवी को मौत के लिए चला दिया। इलाज गवाहान के बयान से यह साबित हो चुका है कि मुल्जम कातिल है। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में पुरजोर इतराज करता हूँ कि मुल्जम को इस कत्ल के जुर्म में सख्त सख्त सजा दिया। आपने मुकदमे की कार्रवाई सुनी है, बाद अपनी राय से आगा करें। आज की तहसील कामयाबी की पूरी उम्मीद हो गई। हाँ उस्ताद, आज हमारी हर दूसरी दवाई सच्ची मालूम होती थी। हम वो जरूर फांसी करें और जीत उस्ताद की होगी। उसी दिन जीत की खुशी में अगर एक गर्मा गर्म पार्टी की जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे। पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पिस्तौल के जख्मे पर असलम की उंगलियों के निशाना पाए जाने से न्यूज मेंबरान जूरी की राय से भी ये बात साफ जाहिर है कि परवीन का कत्ल असलम ने किया है, क्योंकि मुल्जिम के लिए जुर्म साल सभा के तहत हुआ है। इसलिए अदालत आलिया जोर दफा 302 काजियात हुई असलम को फांसी की सजा की बजाय 14 साल से जो काले पानी की सजा दी थी। अगर कभी सितारे से कोई खता हो जाए तो उसे यकीन समझ कर माफ कर देना, उसे दुख न देना। रखो भैया, आज से सितारा तुम्हारी नहीं मेरी बेटी। खत्म हो गया है। ये देखो देखो, इधर देखो, ये भालू है, ये कुत्ता है, ये देखो देखो,
अरे ये बेटा ये बोला बाबा तो मिठाई लेने जाऊंगी बाबा, वो अभी आ जाएंगे, ये बच्चे में हरण है। मेरी मेरी बच्ची कल मैं तुझे बाजार पर लाऊं। हाँ ग्रीस ले भैया, इसे बाजार में ले जा, ना जाने मेरा दिल चल नहीं रहा। मैं कोई हैर थोड़ी, ये साथ ही रखूंगी। दादी सितारा को है तुम अपना तो अरे बोलती थी नहीं सितारा कहाँ है। मैं कहता हूँ दिव्या सितारा कहाँ है। वो कहीं गुम हो गई। कैसे गुम हो गई? वो तो तुम्हारे साथ ही कैसे गुम हो सकती है? मैं कोसी में मछली देने जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब मैंने पलट कर देखा तो वो कहीं राज थी। तुम क्यों बोलते हो? तुम उसे जरूर कहीं भूल गई हो। मैं कहता हूँ तुम क्यों गायब हो गई? ये सर क्यों ना मार गई? अगर वो ना मिली तो मैं अपने ही किस्सा जवाब दूंगा। सितारा मेरी कहाँ होगी? सितारा बोलती अच्छी है इसकी जवानी में कयामत होगी कयामत। अगर इसे परवरिश करके बेकाशा बना दिया जाए तो लाखों की कमाई हो सकती है। मेरा भी यही ख्याल है। मैं इसे रक्काशा ही बनाऊंगा। चांदनी बहुत थक गई है, आप लोग भी आराम करें। चांदनी
तुमने तो वाकई नाच में बहुत कमाल हासिल कर लिया। क्यों ना तुम्हें होटल में पब्लिक के सामने पेश करें? मैं बुढ़िया बनकर लोगों के सामने नहीं नाचूंगी। नाचोगी कैसे नहीं, जरा सोचो तुम्हारा हजारों रुपए का खर्च कैसे चलेगा। और फिर मैंने तुम्हारी परवरिश और तरबियत पर लाखों रुपए खर्चे हैं, तुम्हें मेरा भी कुछ ख्याल नहीं। तुम जरूर नाचो, तुम नाचोगी और मेरा होटल चलेगा, मैं दौलत कमाऊंगा और तुम शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ मकाओ। तुम जरूर नाचो। अब तो मेरी बेबसी पर रह कर मुझे मेरे बाबा से मिला दे। पप्पू बेटे, तेरे मिशन पर ये इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी देखकर मैं कितना खुश होता हूँ। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये सब आप सबका मुझे अब तक याद है कि आप मुझे जख्मी हालत में सड़क से उठा कर लाए थे। मैं एक बेसहारा और लावारिस था, आपने परवरिश किया और तालीम दिलाकर मुझे काबिल बना दिया। जीते रहो मेरे लाल, एक मेरा अपना खून है जावेद। उसे न पढ़ने का शौक है न मेरी इज्जत का ख्याल, दिन भर शायरी करता और घूमता फिरता रहता। ना जाने आपको क्या हो गया है, जब सुनो मेरे लाल को ही बदनाम करते रहते हैं। वो इसलिए मम्मी कि आपको मेरा कलाम पसंद नहीं, और फिर आप शायरी को फन नहीं बल्कि पागलपन समझते। बेशक तुम्हें ना अपनी सस्ती का ख्याल है न मेरी इज्जत का, इस जिंदगी से बेहतर था कि तुम मर जाते। बहुत अच्छा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, अब लौट कर घर नहीं आऊंगा। बस बात, मैं मरने जा रहा हूँ। जाने जाने दो, जाने दो। उठो ना, उठो जानता है मैं अपनी लड़की से खुद कुछ नहीं कर रहा, अपने दामन की आबरू को गुनाहों के दाग से बचाने के लिए मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। या अल्लाह, अरे 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 यार, क्या तुम्हें लगी? तुम कौन हो? मैं मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया के हाथों पंगा कर यहाँ खुद ही बनने आया। तो फिर क्यों नहीं थी? मैंने सोचा मन्नू से पहले तुम्हें बेटा फिर भी कह डालो, फिर जन्नत में खुदा जाने से उसके फिर कहने दूं या न दूं। छोड़ो मेरा हाथ, तुमसे कोई पागल मान नहीं होते। पहले तो नहीं था लेकिन अब जरूर हो गया। छोड़ो मेरा हाथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे घबराइए नहीं, पहाड़ी के नीचे लेके जा रहा हूँ, और साथ कभी आप दोबारा किलाई लगाने का इरादा न करें। अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, बाहरी तकदीर मौत की खौफनाक आज लेकर निकला था, जिंदगी का दामन हाथ में आ गया। अब मैं तुम्हें उस तक नहीं मरने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि आखिर वो कौन सी दुर्बरी कार्य है जिसको तुम्हें कभी कभी मजबूर कर दिया। मेरी लड़की, तुम कौन से पुत्र हो? मैं तुम भी तो इसी इरादे से यहाँ आए, तुम बताओ। अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेरा भी तो यही मतलब है, तुम मुझे अपनी दुर्बरी कार्य सुना और मैं तुम्हें, जो फैसला हो दोनों कर जिंदगी या फिर किसी बने तुम्हारे दुश्मन। अच्छा तो सुना, मेरी दुश्मनी कहानी से सब ये है कि मैं शायर और एक गद का बेटा, मेरे बच्चों का बहादुर को शायरी से इतनी ही नफरत है जितना मुझे क्या माफी। मैंने अपने बाप की बच्चौकी के संग आकर कुछ किसी का फैसला कर दिया, जी नहीं ऐसा किया था, अब नहीं। हाँ तो अब तुम सुनाओ अपनी दूसरी कहानी। तो सुनो, मैं एक बदनसीब लड़की शरीफ घराने में पैदा हुई और बचपन से अपने माँ बाप से विदा होकर अब ऐसे जालिम गुंडों के हाथों में फंस गई जो मुझे नाचने वाली बनाकर दौलत से अपनी जेबें भरना चाहते। जानने का पता चला जी, मैंने चारों तरफ अपने आदमी पहुंचा दिए, आप फिक्र न करें, वो सूरज निकलने से पहले आपके सदमे में पहुंचा दी जाएगी। आओ मेरे साथ। ये है मेरी दुख भरी कहानी। तुम फिक्र नहीं करो चांदनी, मैं तुम्हें मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। आओ मेरे साथ। I don't know.
आपको निजात दिलाना इतना आसान नहीं। मैंने तो शहर का कोना कोना छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आखिर वो गया कहाँ? बस अब तो आप लोग भी देखा था होगा, उसी का रंग तो वही चला गया। दिन हो रात हो जब मैं उस बेचारे के पीछे हाथ धो कर पड़े रहते थे। वो आ गया मेरा बेटा। मैं भी फोन करता हूँ। कहाँ से आए हो तुम? इस लड़के ने मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। सब देखो तुम। Oh,
न जाने खुदा कब मुझे मेरी बच्ची से मिलाएगा। सब्र से काम लो बेटा, पूरी सजा तो गुजार ही चुके हो, एक साल बाकी रह गया, अब फिर अपनी बच्ची से जाके मिल लेना। क्या करूं बाबा, हद से हालात मालूम हो जाया करते थे, अब समझ में नहीं आता कि मेरे दोस्त बुंदू ने मुझे खत क्यों नहीं भेजा। उठो, आज तुमने साहब के बंगला पर काम करना है। ये आदमी कौन? ये साहब का बैरा है, लेकिन अभी चंद रोज गुजरे तो ये भी हमारी तरफ कैदी बनकर आया था। आज तो ही बजाने क्या चक्कर चलाया तो साहब ने उसे नौकर रख ली। तुम सच कहते हो, ये ऐसा ही आदमी है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो झूठी गवाही देकर मुझे काले पानी की सजा दिलवाई। असलम, हाँ असलम, जलील झूठी गवाही देते वक्त तुम्हें शर्म आई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। जान बचाने के लिए बहाने ना तलाश करो, मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। शायद तुम भूल चुके हो, जेल आते वक्त तुम एक बच्ची छोड़कर आए थे, वो जवान हो चुकी है, और जिसके पास तुम उसे छोड़ कर आए थे उसने उसे नाच गाना सिखाकर बाजार में भिजा दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहां क्या करो, चलो काम करो। शायद तुम भूल चुके हो, जेल आते वक्त तुम एक बच्ची छोड़कर आए थे, वो जवान हो चुकी है, और जिसके पास तुम उसे छोड़ कर आए थे उसने उसे नाच गाना सिखाकर बाजार में भिजा दिया। इसीलिए उसने मुझे खत नहीं भेजा। मैं बुंदू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बच्ची रकासा नहीं बन सकती। ये लो खाना।
यहाँ से जल्दी इलाका शुरू होता है, चलो वापस चले। बताना ही भूल गया चांदनी, कल मैं मुशायरे में अपना कलाम सुनाने मेरे में अपना घंटे भिजवाने गया था। बस रहने दो, जब तुम्हें अपनी शायरी की धूम मचाती यकीन और मुशीर को अपना हम पल्ला बनाते। मुझे तो आपके शायर होने पर भी जी क्या कहती हो, कुछ कहती हो। मोहब्बत तो ऐसी चीज है चांदनी, इंसान तो इंसान, अगर गधे को उसका दुकान भी हो जाए ना तो उसका दिमाग मालूम हो जाता है। तो वाकई मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है। बिल्कुल, मतलब कल मैंने तुम्हारी याद में डूबकर तुम्हारी सारी तस्वीर को आंखों में बचाकर एक ऐसा गीत लिखा है, एक ऐसा गीत लिखा है चांदनी के लिए। बस बस बस, 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 बस।
कैसा गीत लिखा है, हम भी तो सुने। सुनो अब क्या है उस मासूम अदा कम सुन हुस्न मासूम अदा कम सुन दिल सुनो रात है मुख से दिल हुस्न मासूम अदा कम सुन दिल सुनो रात है मुख से दिल मुसव्वर देख ले तुमको तो खुद तस्वीर बन जाए हुस्न मासूम अदा कम सुन ना है तेरी पाहिल चांद पहना है तेरी पाहिल कह कसा से है तिरंगी अगर तू मुझको मिल जाए मेरी तकदीर बन जाए सुनिया से अदा कम सुन दिल सुनो रात है मुख से दिल मुसव्वर देख ले तुमको तो खुद तस्वीर बन जाए सुनिया से अदा कम सुन दिल सुनो रात है मुख से दिल मुसव्वर देख ले तुमको तो खुद तस्वीर बन जाए सुनिया से अदा कम सुन बहुत दिन हुए साथ वाली जेल से अकादित भागकर इस जंगल में आया था जिससे मेरी जंगली माँ ने शादी कर ली। बस ये जबान मैंने अपने सही बाबा से सीखी थी। क्या तुम्हारे बाबा जिंदा है? नहीं, मेरी माँ से मरते ही इन जंगली दरिंदों ने मेरे बाबा को भी मार दिया था। मुझे अफसोस है। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? मैं भी तुम्हारे बाप की तरह काले पानी से भागा हुआ कैदी हूँ और यहाँ से शहर की तरफ निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। लेकिन इन जंगलों से बचकर निकलना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी न किसी तरह निकल भी जाए तो समुंदर कैसे पार करोगे? अगर यकीन कामिल हो तो समुंदर की मौजें भी किनारा बन जाया करती है। पर देखिए मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे इन जंगलों से सख्त नफरत है। मुझे भी अपने साथ यहाँ ले चलो। साथ ही चलो। Thank you.
प्यार का सपना सब कुछ अपना सदाया पिया प्यार का सपना Thank you.
अरे भाई नौकरी का मामला है, कोई मेरे बाप दादा का होटल नहीं। और तुमने 24 घंटे की नौकरी कर ली है क्या? कोई छूटा फूटो और बच्चे पालो, तुम्हें क्या खबर तो है किस चक्कर में? तुम्हें नहीं जाओ तुम्हारी चक्कर, तुम्हें इतना ही फिक्र नहीं कि 4 दिन से बच्चा बुखार में मर रहा है। देखो बिंदिया, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम बच्चों की देखभाल करो, मुझे मेरे घर से मत रोको। ये फर्ज कब तक अदा करते रहोगे? 9 साल हो गए सितारा को ढूंढते हुए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन असलम जब आएगा उसे क्या जवाब दें? हमने देख तो नहीं था इस तरह, साफ साफ कह देंगे कि बच्चन ने बाजार से गुम हो गई थी। ये तुम कह सकती हो, मैं नहीं। असलम ने मुझे दोस्त समझ कर मुझ पर भरोसा किया था, अपनी औलाद को मेरी गोद में डाला था। अब जब वो 10 साल बाद अपनी औलाद को देखने की खुशी में यहाँ आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, कैसे मैं दिखाऊंगा? हाँ मैं तो फिर बार हूँ, बहुत बेयकीन जब मेरी थी, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मारता मुझे बंदू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब तू का लिखा कभी नहीं मिल सकता। नहीं हुआ बंदू। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने कुछ सुराग लगा लिया था और मैं तुम्हें बताता हूँ। आ गए बेटी, बहुत देर लगा दी, क्या बात थी? सामान मिल गया? जी हाँ अब्बाजान, तलाश करने में देर तो जरूर हुई लेकिन सब चीजें मिल गई। अच्छा हुआ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। अच्छा। ये कौन है? बड़ा शरीफ इंसान है, मैंने इसे नौकर रख लिया है। अच्छा किया, जुम्मन भी अपने घर चला गया है और हमें भी नौकर की जरूरत थी। सुनो मियां, तुम बंगले में इत्मीनान से काम किया करो, तनख्वाह की फिक्र न करना, तुम्हें इतने पैसे मिल जाया करेंगे जिससे इत्मीनान से जिंदगी बसर हो जाए। भैया, ये आपके छोटे सरकार बड़े रहम दिल हैं, क्या ये इनके लड़के हैं? हाँ अभी नहीं, इनका लड़का ही समझो, बचपन में जाट साहब को मिल गए थे, इनके यहाँ कोई औलाद ना थी, इन्होंने परवरिश की, अब ये पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। क्या नाम है इनका? सलीम मियां। सलीम, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है, आज शेख उस्मान बमाए अपनी नई बीवी के हमारे होटल में आ रहा है।
उसकी बीवी के गले में एक बेकीमत हार है जिसे गायब करना है। बाकी यस बॉस, ये हार तुम्हें चुराना होगा। किस तरह बॉस? तुम बैरा बनकर उनकी टेबल पर चाय लेकर जाना और नाच खत्म होने तक वहीं इंतजार करना। अंदर। जी सरदार। नाच खत्म होते ही जब बाका उनकी टेबल से बर्तन उठा रहा हो तुम लाइट ऑफ कर देना। राइट बॉस। बाके यस बॉस, 15 सेकंड में हार गले से उतर कर चाय की केतली में आ जाना चाहिए। बॉस क्यों ना अंधेरे में शायर की वारगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चांदनी पर डोरे डालने वाले बेवकूफ को खत्म ही कर देना चाहिए। अनवर ये काम तुम्हारे सुपुर्द है। अब क्या होगा ये बात जावेद को कैसे बताऊं? चलिए ये बन तुम्हें कुछ मालूम है कि ये जावेद आधी आधी रात तक कहां गायब रहता? मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम घर पर जाओ तो उसका पीछा करना ताकि ये तो मालूम हो सके कि वो जाता कहां है। बहुत अच्छा, मैं आज ही मालूम करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। साहब आज तो बड़ा ही इंतजार करवाया आपने, आइए फिर शुरू करें रोज का धंधा। निकालो साहब। अंधे हो, नजर नहीं आता। दरअसल बात यह है, मुझे एक आंख से कम दिखाई देता है। देर में वो हार तुम्हारे गले की कीमत होगा। सरदार मेरी थैले में गले उसे नहीं काट सकते रख दिया। बस दिल डरते हो, मेरे होते हुए किसकी मजाल है ये तुम्हारी तरफ फेंक भी सके। कभी ऐसा न हो तो मैं मारा जाऊं। बाबा बाबा अपने हवास दुरुस्त करो, हार गायब करने के लिए बहुत होशियारी की जरूरत है। जाओ। Thank you.
शराब के साथ साथ चोरी भी छेड़ कर दी, कितना जी दो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का हाथ चोरी हो गया है। इतना रखिए, हार यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और हाँ, तुम लोग गेट पे जाओ और बगैर तलाशी के किसी को बाहर मत जाने दो। हेलो बेरा, मैं हाँ तुम इसकी तलाशी लो। यहां से जा नहीं सकता, यही किसी के पास। ठहरो बेरा, ये लेते जा। शुक्रिया। हाँ मैनेजर, तुम्हारा मालिक कहां है? जी वो आ रहे हैं। कोई बड़ा तालाब चोर था जो इतने लोगों की मौजूदगी में हार चुराकर ले गया। ये तो अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए, वरना मेरा होटल बदनाम हो जाता। पहचानो मुझे। मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी छोटी दवाई का इनाम। ये गोली की आवाज है, शायद ऊपर की मंजिल में चली। आओ देखें। खबरदार, आवाज ना निकले। खबरदार, पीछे मत देखो, आगे चलो अंदर। मेरे बचपन की तस्वीर है, तो क्या ये खूनी मेरे बाबा है? ये बेचारा तो मर चुका है। जनाब जी मेरे होटल का बहुत पुराना मुलाजिम था, और मेरे साथ
ढूंढा जाता नहीं होटल में सफल हो गया है। काटी यहाँ तो नहीं आया। काटी यहाँ तो कोई नहीं आया। काटी हो गया है। किसका? बाकी का कातिल तो आपके सामने से चला था। कौन? वही बारह जो अभी अभी गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताती कैसे, इसकी जेब के नीचे पिस्तौल थी और इसका मुंह मेरी तरफ। अरे ये तो मेरे होटल का बैरा है। मेरा पिस्तौल भी रहा है, मेरे कपड़े उतार के ले गए। चलो काफर को चलाते। मेरे सिपाही हर तरफ मौजूद थे मगर फिर भी वो बच के निकल गया। ताज्जुब है, फिर तो वो यकीनन कोई बहुत बड़ा डाकू है जिसको पुलिस की भी परवाह नहीं थी और कत्ल करके फरार हो गया। वो कितना ही बड़ा डाकू क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। सरकार आप किसे गिरफ्तार करके रहेंगे? उसी कातिल को जो कल रात मुझे धोखा देके निकल गया। हो सकता है वो आपके सामने मौजूद हो और आप उसे पहचान न सके। आखिर कब तक छुप कर रहेगा? चाय बनाओ सरकार। तुम जाओ, मैं खुद बनाता हूँ। नहीं नहीं, ये बिना कैसे हो सकता है? शराब तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और मैं? तुम? अरे तुम्हारे बगैर तो मैं कदम भी नहीं चल सकता। एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुम्हें आज दोनों में से एक को चुनना होगा, मुझे वो शराब। आज तुम कैसी बातें ले बैठी हो, कहां शराब और कहां तुम। बस मैंने कह दिया, या शराब छोड़ दो या मुझे, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे शराब पीने वाले से सख्त नफरत है, ये इंसान को हवान बना देती है। अच्छा बाबा ये लो, नाराज क्यों होती हो? अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। बाबा अच्छा बाबा दो बातों क्या मैं समझ गया। जरा अब्बा जान को मना लू, तुरंत मैं अपने पास ले जाऊंगा। बंदू अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों क्या बात है खैरियत? कल लिबास बदलते वक्त होटल में वो तस्वीर गिर गई थी, अगर किसी को मिल गई तो सारा बना बनाया खेल जाता रहेगा। वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? अब तुम जाकर ले आओ। हाँ हाँ हाँ, मैं होटल नहीं जा सकता, मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा जी, तो मैं खुद जाता हूँ। अरे तुम कैसे जाओगे? तस्वीर अगर पहचानेंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया फिर क्या होगा? लेकिन तस्वीर को हासिल करना भी तो बहुत जरूरी है, वही एक ऐसी निशानी है जिसे सितारा देखकर मुझे पहचान लेगी। तो फिर किया क्या जाए? एक काम करो। हाँ बताओ। नहीं नहीं बस मुझे इस काम से बात रखो, ये मुझसे नहीं होता। नहीं भैया, अरे भाई ये तो मामला ही गलत है। मेरी बात मान लो खुदा के लिए। यार ये तो जबरदस्ती है। अच्छा चलो दोस्त के खातिर जो भी कहो वही सही। बंदो भैया बोलो दे सकता। जी हाँ सिंगर चाहिए आपको? मैडम बेरा सात सौ 16 नंबर कमरे में ले जाओ। कम डाली मैं डाली, हम अपनी पसंद का कमरा खुद पसंद कर सकते हैं। इनको सब कमरे दिखाओ, जो पसंद है उससे इनका सामान लगाओ। थैंक यू मैम सर। देखो बेरा ऐसे करो, हमारे पीछे सब सामान लेकर आओ।
ये हंसने की बात नहीं, बांके को भी ऐसा ही खूनी कार मिला था। क्या बात है शेरा? ये खूनी कार मेरी जेब से निकला है। ये डर रहा है सरदार कि कहीं वो इसे भी खत्म न कर दे। खामोश! तुम सब अपनी तरह मुझे भी काफिल बना देना चाहते हो। तुम्हारी हिमाकत की वजह से कमाल तो काले पानी की सजा हो गई, और जब बांके को ये खूनी कार मिला तो तुम इसे भी मजाक समझे और वो भी गफलत का शिकार हो गया। बिल्कुल ठीक है सरदार, मुझे भी यही डर है कहीं वो कातिल मेरी जान भी ना ले ले। बदल, मैं अब गाफिल नहीं जो कोई तुम्हें मार जाए। बात अच्छा, अंदर तुम सब सेना के साथ रहो और इसकी हिफाजत करो। मेरा नाम दिलावर है, जिसने मेरे साथी को मारकर मेरी बहादुरी को ललकारा है। मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप फिर यहाँ आ गए? घबराइए नहीं, कल मेरी यहाँ एक चीज गिर गई थी, उसे तलाश कर रहा हूँ। क्या चीज है वो? मेरी बच्ची की बचपन की तस्वीर, जिसे मैं हर वक्त सीने से लगाए रखता था, क्योंकि वो मेरी बच्ची की निशानी थी। क्या बच्ची मर चुकी है? नहीं, ऐसा ना कहिए, उसे तो किसने मुझसे विदा कर दिया है। मैं तो उसी की तलाश में काले पानी से भागकर यहाँ आया। तो क्या आप काले पानी में थे? हाँ, दगाबाज कातिल ने कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 14 साल काले पानी की सजा करवा दी। जब मैं सजा काट रहा था तो एक बदमाश ने बताया कि मेरी बेटी रक्कासा बन गई है। ये खबर सुनते ही मैं कैद से भाग निकला। बड़ी गंभीर कहानी है। जीती रहो बेटी, ये तस्वीर देखकर तुमने मुझे जिंदगी बख्श दी है। ताज्जुब की बात है, कल मेरी एक सहेली की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वो इसे चुन कर कहने लगी है कि मेरे बचपन की तस्वीर, मेरे बाबा ने ईद के दिन मेरे साथ खिंचवाई थी। ये बातें तुम्हारी सहेली ने कही है? बिल्कुल ठीक, फिर वही मेरी बेटी है। कहाँ है वो, मुझे उससे मिला दो। कैसे मिला दूं? वो भी तो मेरी तरह बदमाशों के फंदे में गिरफ्तार है। तुम मुझे पता बता दो, मैं आज उसे बदमाशों के कब्जे से निकाल लूंगा। मुझे अंदेशा है कहीं उसे देखकर आपकी मोहब्बत नफरत में ना बदल जाए। वो किस लिए? वो भी मेरी तरह रक्कासा बना दी गई है और लोगों के सामने नाचती जाती है। वो पराए बच्चे हैं, उसे मजबूरन ये पेशा इख्तियार करना पड़ा होगा। तो क्या अब भी आप उसे अपना लेंगे? वो मेरी औलाद है, मेरा खून इसके पास रखूंगा। तुम मुझे उससे मिला दो। कल मैं उससे मिला दूंगी। आप रात 8 बजे कोठी नंबर 44 जहांगीर रोड पर आ जाइए। नहीं दिया सामने, इस वक्त बताना खतरा मोल लेना था। दिलावर और उसके साथी होटल में मौजूद है, वो हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। मैं बहुत खुश हूँ बुल्लू। खुशी में जो मत भूलो कि मैं औरत नहीं आदमी। आज मैं दुनिया के सारे गम भूल गया हूँ। ऐसा क्या
कहाँ मिल गया है? मेरी बच्ची मुझे मिल गई है बंधु। सितारा मिल गया? हाँ कहाँ है वो? मुझे कल 4 बजे से मिलने जाना है। तो चलो फिर घर चले, यहाँ रहते क्या करें? अरे भूल गए कार्ड वाला काम। कार्ड वाला काम उस काम में तो देर है, रात को 2 बजे होगा, इसलिए क्या करेंगे? अच्छा फिर उतनी देर नीचे चलकर नाच देखें। ना बाबा नाच मैं नहीं देखूंगा, अगर किसी ने पहचान लिया तो बस बड़ा और काम बिगड़ जाएगा। चलो मैं नीचे जाऊंगी जाऊंगा। अरे जब तुम जाओगे तो फिर मैं जाऊँ? जाओ ये जो टोपी मगर हाँ एक कप कॉफी का भिजवा देना मेरे से। ओ नो बेटा इसे ले जाओ, चाय लाओ। रूल आप चाय पियेंगी? हाँ हाँ आज से हम चाय ही पिया करेंगे, ले जाओ। जला
सहारा लेकर चोर घर में घुसा करते हैं बेटे, तुमने भी उन्हीं अंधेरों का सहारा लेकर घर में आना सीख लिया। ये बात क्यों भूल गए कि तुम्हारे बाप की आंखें 25 साल से तुम्हारा साथ कर रही है। मगर कुछ नहीं, सब की भी कोई इंतहा होती है। मैं तो जरा सैर के लिए सैर करने गए। मैं तुम्हें ऐसी सैर कराऊंगा कि तुम जिंदगी भर सैर का नाम तक ना लोगे। लड्डन, बुद्धन, खलीफा, जावेद को पिछले कमरे में बंद कर दो और उस वक्त तक बंद रखो जब तक कि ये सैर का नाम लेना ना भूल जाए। मेरी बात तो सुनिए। मैं तो सैर के लिए मेरा तो दिल डूबा जा रहा है अंदर। मुझे महसूस हो रहा है जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वहम हो गया है तुम्हें, तुम डरते क्यों हो? हम तो यहां मौजूद हैं और फिर ये हमारे साथ है। सुनो, किसी के पांव की आहट कोई नहीं सुन पा रहा है। यहां तो कोई नहीं है ये, लेकिन ये पांव की आहट तो बराबर आ रही है। ये क्या हरकत है? तुम्हारा पांव हिल रहा है, मेरा स्तन निकला जा रहा है। जाओ साथ वाले कमरे में बैठो, उठो। बड़े डरपोक है शेरे। ये बात नहीं अनवर, जिस वक्त से मुझे खूनी कार्ड मिला है हर आंख मुझे मौत के पैरों की चाप सुनाई देती है। सुबह से तुम्हारी चौकीदारी कर रहा हूं शेरे, इजाजत हो तो एक मिनट के लिए। हाँ, लेकिन जल्दी वापस आना। अच्छा, तुम दरवाजा बंद कर लो। सबको जाने को दिया, अगर कोई आ गया तो मैं अकेला क्या करूंगा। हां, मुझे इसी अलमारी में छुप जाना चाहिए। हां, मैं तुम्हें झूठी गवाही का इनाम देने आया हूं। खून हो गया, अब के यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, अब के तू मुझे बचा कर निकाल दे, मैं तेरे नाम का बकरा दूंगा। नहीं, बकरा नहीं, बहुत महंगा आएगा, मुर्गा दूंगा। यहां से कोई नीचे नहीं पूछ सकता। कातिल अभी होटल में है, चलो दूसरे कमरे तलाश करें। मालूम है पुलिस आ गई है और वो कंबल पति तक नहीं आया। मैं मारा गया, तुम्हारा
तुमने हमारा कच्ची को खराब किया। साबादर सात वाला कमरा में खून हो गया और तुम सोता पड़ा है। खून खून ना खून इसका हाथ मत कर रहे इसमें मर्डर किया है। मर्डर इसमें ओह माय गॉड ओह माय गॉड अरे डॉक्टर को बुलाओ मैं यहाँ पर तो क्या हूँ। ओह माय गॉड ओह माय गॉड चलो दूसरे कमरे में तलाश करें। तुम आए किधर से? खिड़की खिड़की से शाबाश मैं तो घबराई गई थी क्या घबराया गया था। तेरा दरवाजा बंद कर जाओ। अंधेर है इंस्पेक्टर साहब दो दिन में दो खून हो गए मेरे होटल में और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कातिल कौन है। आपने भी तो गलती की है जब खूनी कार्ड मिला तो आपके टेलीफोन पर फौरन निकला करते मुजरिम को जुर्म करने का मौका तो आपने खुद दिया है। खैर मुजरिम को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करूँ तो बच कर नहीं जा सकता। हम जाएंगा मैनेजर हमारा बिल निकालो देखिए देखो बाबा बेरा तुम सामान लेकर हमारे पीछ लो ऑफिसर एक्सक्यूज मी मैम कहाँ जा रही कल रात 8 बजे कोठी नंबर 44 जहांगीर रोड पर जरूर आई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तुम्हारी चांदनी आज तो बजने वाले हैं लेकिन कैसे जाऊं? मम्मी क्या है ओ खुदा बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता समझे 10 दिन तक इसी तरह बंद रहे। 10 दिन तक तो मम्मी क्या आप भी मुझसे नाराज हो गई मेरे अच्छे थी मम्मी जरा करीब आइए ना आ जाइए ना मम्मी देख तू कितनी अच्छी है एक बार दरवाजा खोल दे। नहीं नहीं तो फिर वही हरकतें करेगा। तौबा कीजिए मैं तो कयामत तक नहीं करूंगा। मम्मी तू तो जानती है ना मैं हमेशा तेरा हुक्म मानता हूँ और सुन ले मम्मी अगर तूने इसी वक्त दरवाजा नहीं खोला तो बस इसी सुरी से अपने आप को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। एक चीज से काम नहीं चला मम्मी दूसरी भी मार रहा हूँ। नहीं मेरे बेटे ये तो क्या कर रहा है मैं भी दरवाजा खोल देती हूँ मैं भी दरवाजा खोलती आज बजने वाले हैं। मम्मी बस आपकी दुआ से बच गया हूँ ये छुरी तक तो बहुत मैं चला गई थी। मम्मी देख मम्मी मुझे 2 घंटे की डाल दे तो यू आया और हाँ मम्मी ये बड़ी बरकत वाली है फिर काम आएगी। अरे चांदी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मेरी कुछ तबीयत खराब है आज मैं बात नहीं कर सकती। तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं आराम करने से तबीयत ठीक हो जाएगी। आप नौकर को साथ ले जाओ और कुछ फल भिजवा दीजिए। अच्छी बात है आ सकता हूँ। देखिए कहाँ बेटी तुम्हारी सहेली भी आ गई। बताती नहीं होगी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। इंतजार की घड़ियां भी कितनी मुश्किल होती हैं। मैं रात भर इन ख्यालात में करवटें बदलता रहा कि कब सुबह हो और मैं अपनी बेटी से मिलूं। आपको क्या खबर शायद आपकी बेटी ने भी इसी तरह बेचैनी में रात काटी हो। लीजिए क्या बात है तुम घबरा क्यों रही हो तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। मालूम होता है तुम कुछ कहना चाहती हो कहती क्यों नहीं? जी मैं आपकी मेरी बेटी आ गई।
कौन भाग रहा है? आओ मेरे साथ। मक्कार औरत, मैं जानता था कि तू इस कदर कमीनी और दगाबाज है। मुझे मेरी बेटी से मिलाने का लालच देकर पुलिस के हवाले करना चाहती। अब मैं तुम्हारे प्रेम में आने वाला नहीं। याद रख, जो आदमी काले पानी से भाग कर आ सकता है, वो तुझ जैसी रंडी के जाल में फंसकर पुलिस के कब्जे में नहीं आ सकता। खुदा के लिए गलत से समझ ली, तेरा प्रेम खुल गया। अब मैं तुझे इस मकानी की सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। बाबा खुदा के लिए धोखा ना करूं, अपनी बेटी को पहचानी नहीं। आपकी बदतमीजी बेटी हूँ। अब बेटी बनकर धोखा देना चाहती हूँ? दिल लगा मैं बाबा, याद करो तुम्हें मुझे लोरिया देकर अपनी गोद में चलाया करते थे। तुम्हें मुझे मछलियां देकर अपने साथ ले जाया करते थे। याद करो बाबा, जिस दिन तुमने अपने साथ मेरी तस्वीर खिंचवाई थी और वो दिन तुम मुझे आज तक नहीं भूला। तुम मुझे बिल्कुल पैसा के हवाले करके काले पानी चले गए थे और वो दिन तुम मुझे आज तक नहीं भूला। तुम मुझे बिल्कुल पैसा के हवाले करके काले पानी चले गए थे। मुंडू भैया से कहना, अब सितारा बेमा के बच्ची है और मेरा साया भी इसके साथ उठ रहा है। इसे मेरी अमानत समझकर इसकी हिफाजत करें। वही आने, वही तो आखिर ये कौन था और कहां चला गया? कहीं यही तो खुली नहीं था। कौन है वो जालिम जिसने तुम्हें ये जरूर काम करने पर मजबूर किया? देखिए और मेरे साथ याद नहीं क्या बेटे, पुलिस को डरी हुई क्या है? अगर इसे भी ना जाना तो खुद गिरफ्तार हो जाए, यहां से भाग चलना चाहिए। सितारा, मैं तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, मैं भी आज तो जिंदा नहीं करूंगा। बाबू, खैर बाबू, सितारा मेरी बच्ची, इस सूरत को देखने के लिए आंखें तरस रही थी, अब अपनी बारी से तू मुझे देखने को लाश पड़ी, हाथ में पत्ता और कहीं पता समझा सकते हो? मैंने नहीं, बिना और बिना तेरा सारा भेद मुझे मालूम हो चुका है। काले पानी से भाग करने वाले कातिल, तूने मेरा नौकर बनकर मुझे भी धोखा दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पहचानो पप्पू, मैं ही तुम्हारा बदनसीब भाई असलम। क्या बकते हो? यकीन नहीं आता तो याद करो पप्पू, जब मां बीमार थी और तुम भूख से तड़प रहे थे, तुम्हें तुम्हारे लिए रोटी लेने गया, वापिस आया तो मैं मर चुकी थी। फिर उसी सुबह मुझे तुम छोड़कर न जाने कहां चले गए। पप्पू, तुम्हारे खून में इतना जोश भी न रहा कि तुम अपने भाई को पहचान सको। भैया, पप्पू मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दो कि मैं दिलावर से अपनी बेटी के खून का बदला ले लूं। मैं माफी चाहता हूं भैया,
कानून और फर्ज से मजबूर हूं। मैं वादा करता हूं पप्पू कि बदला लेने के बाद खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। भैया मैं कानून से नहीं करती, अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर तुम अपना फर्ज पूरा कर लो।
तुम इस तरफ जाओ और तुम इधर देखो। कोना कोना छान मारा लेकिन मुजरिम का कहीं पता न चला। मैं अपना अहद पूरा कर चुका, अब तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। बाबा, सितारा मेरी बच्ची, तू जिंदा है। मैं वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने में कामयाब हो गया और इनकी जान बच गई। मैं बेटी खुश हो, मैं तो तेरी मां के खून का बदला लेकर इज्जत की मौत मरने जा रहा हूं। बाबा, तकदीर ने तुम्हें मिलाया भी और हमेशा के लिए जुदा भी कर दिया। तो क्या हुआ, मैं मुझे ही तेरे चचा का साया तो सर पर मौजूद है, बस गम है तो इसका कि तेरे हाथ पीने न कर सका। गम न करो भैया, अब ये सच मैं तेरा करूंगा। सच? हाँ, मैंने सितारा को अपनी बहू बनाना पसंद कर लिया। आपने मेरा गम हल्का कर दिया है जैसा, अब मैं भी अपना फर्ज पूरा किए देता हूं। इधर आओ जावे, ये गरीब बाप की बेटी है, इसका हाथ कभी ना छोड़ना। अब मुतमिन रहिए, अब मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर इज्जत की मौत मर सकूंगा, इज्जत की मौत मर सकूंगा।